men and women, fitness, health and beauty से related real information जानने के लिए subscribe कीजिए इस channel को और bell icon को दबाइए जिससे कि आपकी कोई भी video miss ना हो। Friends, आज का हमारा topic है race यानी दौड़ने के ऊपर। इस टॉपिक में हम आपको रेस लगाने के जबरदस्त फायदे बताएंगे। फ्रेंड्स, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी हड्डियां, फेफड़े, हार्ट और बॉडी के सभी पार्ट्स की एक्सरसाइज हो जाती है। साइंस का कहना है कि सुबह की दौड़ पूरे दिन के लिए वरदान है। सुबह मात्र 30 मिनट की दौड़ जिमों में घंटों पसीना बहाने से ज्यादा फायदेमंद है। जो लोग उम्र दराज है उन लोगों के लिए सुबह की सैर अमृत समान है। मानो या ना मानो, आसान सी भाषा में कहूँ तो बहुत सारी बीमारियों की दवा है। फ्रेंड्स, जो लोग जिम करते हैं और अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, वे लोग भी बीमारियों से बचने के लिए और अपने आप को तरोताजा और फिट रखने के लिए सुबह में हल्की हल्की जॉगिंग जरूर करें। फ्रेंड्स, रेस को लड़का हो या लड़की, बच्चा हो या बूढ़ा, कोई भी लगा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें, जब आपकी उम्र 40 से ऊपर हो और आपका मोटापा बहुत ज्यादा हो, लंबे टाइम से आपने कोई एक्सरसाइज ना की हो, तो तब आप डॉक्टर से दौड़ने के बारे में सलाह जरूर लें। फ्रेंड्स, सुबह को रेस अमीर हो या गरीब, सब लगाते हैं। अमीरों के पास दुनिया की हर चीज होती है, फिर भी वे रेस लगाते हैं। तो इसीलिए आइए सबसे पहले जानते हैं रेस लगाने के जबरदस्त फायदे, जिससे आप सुबह को उठने में जरा सा भी आलकस ना करें। नंबर वन, हार्ट यानी दिल के लिए फायदेमंद। दौड़ने से हार्ट पूरे शरीर में अच्छे से ब्लड पंप करता है। बॉडी के सभी ऑर्गेन्स को हेल्थी रहने के लिए सही ब्लड सप्लाई होना बहुत जरूरी है। सुबह को दौड़ने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। एक नए रिसर्च से पता चला है कि ज्यादातर दौड़ने वाले लोग यानी रनर्स को हार्ट अटैक होने का खतरा खत्म हो जाता है। सबसे जरूरी बात तो यह है कि उनकी जीवन की 30% वृद्धि हो जाती है। अगर कोई भी 30 मिनट रोज सुबह सैर करे तो हार्ट अटैक होने के चांस 0% हो जाते हैं। इसके अलावा दिल से जुड़ी बहुत सारी बीमारियाँ तो खुद खत्म हो जाती है। अगर किसी भी आदमी को सांस लेने में तकलीफ है तो सुबह की दौड़ से सांस की तकलीफ ठीक हो जाती है। नंबर टू, मधुमेह यानी डायबिटीज में फायदेमंद। आज डायबिटीज एक आम बीमारी बन गई है। अगर आप शुगर डायबिटीज के मरीज हैं, तो आपको मेरी यही सलाह है कि आप सुबह जरूर दौड़िए। दौड़ने से शरीर में शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और कैलोरी की मात्रा घटती है। और अगर आप शुगर के मरीज नहीं है तो सुबह को दौड़ने से आपको डायबिटीज जैसी बीमारी नहीं होगी। नंबर थ्री, फेफड़ों और सांस की बीमारी में फायदेमंद। दौड़ने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और फेफड़ों में खिंचाव बढ़ता है, जिससे सांस से जुड़े सभी रोग खत्म हो जाते हैं। दौड़ने से हार्ट रेट बढ़ता है और उसके कारण फुसफुस तेजी से काम करते हैं। इससे फुसफुस और फेफड़ों की मांसपेशी मजबूत होती है। नंबर फोर, शरीर की हड्डियों के लिए फायदेमंद। एक रिसर्च से सामने आया है कि सुबह को दौड़ने से शरीर की हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। पैरों की हड्डियों में ही बॉडी के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में रक्त निर्माण होता है। इसीलिए पैरों और जांघों की हड्डियों के मजबूत होने से शरीर हेल्थी होता है और साथ ही जोड़ों और मांसपेशियों को नई ऊर्जा मिलती है। रोजाना दौड़ने से आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया जैसी हड्डी से संबंधित बीमारी भी दूर हो जाती है। रोजाना दौड़ने से स्नायु बंधन और नसों की ताकत को बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे जोड़ों की ताकत बढ़ती है और एड़ियों और घुटनों में मोच तक नहीं आती है। नंबर फाइव, सहन शक्ति में बढ़ोतरी। रोज सुबह दौड़ने से सहन शक्ति में इजाफा होता है, जिससे आप कोई भी भारी काम आसानी से कर सकते हैं। दौड़ने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे शरीर पर हानिकारक बैक्टीरिया वायरस का असर कम होता है और साथ ही हेल्थी समस्याएं जैसे एलर्जी, सर्दी, खांसी, जुकाम, फ्लू जैसी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। अगर आप अपने आप को कई तरह की बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो रोजाना दौड़ जरूर लगाएं। नंबर सिक्स, वजन घटाने में फायदेमंद।
जो लोग अपना वजन और चर्बी को कम करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक सबसे आसान और अच्छी दवा है। दौड़ने से शरीर की कोशिकाओं को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। ज्यादा एनर्जी की वजह से शरीर ज्यादा कैलोरीज को बर्न करता है, यानी कि अगर आप रोजाना 30 मिनट दौड़ लगाते हैं तो आप आसानी से 400 से 500 कैलोरी बर्न कर लोगे, जिससे आप बहुत जल्दी अपनी चर्बी और वजन खत्म कर लोगे। वैसे तो धीरे धीरे दौड़ने पर भी 100 कैलोरीज आसानी से बर्न हो जाती है। नंबर 7, आपकी पाचन शक्ति और भूख बढ़ाने में फायदेमंद। दौड़ने से पाचन शक्ति में सुधार होता है और भूख बढ़ती है। यह कैलोरी को जला देता है, इसीलिए दौड़ने के बाद आपको भूख लगने लगेगी। यह आपके चयापचय को भी बढ़ा देता है। नंबर 8, दिमाग के लिए फायदेमंद। फ्रेंड्स, सुबह को दौड़ने से आपके दिमाग को काफी ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे आपका दिमाग पूरे दिन तरोताजा यानी फ्रेश बना रहता है और साथ ही आपकी आंखों को ठंडक मिलती है। नंबर 9, अच्छी नींद के लिए फायदेमंद। जी हाँ फ्रेंड्स, अच्छी नींद के लिए आप रोजाना सुबह में जरूर दौड़े, इससे आपको अच्छी नींद जरूर आएगी और साथ ही आपका तनाव भी खत्म होता है, क्योंकि दौड़ते टाइम हमारे शरीर में इंडोर्फिन हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आपका मन शांत होता है और आप खुशी का एहसास करते हैं। नंबर 10, आपकी त्वचा पे चमक आती है। फ्रेंड्स, दौड़ने से शरीर में रक्त संचार ठीक से काम करता है, जिससे आपकी त्वचा में चमक आती है और झुर्रियां देर से पड़ती हैं। फ्रेंड्स, हमने दौड़ने के जबरदस्त फायदे सिर्फ इसलिए बताए हैं ताकि आप सुबह को सवेरे उठने में जरा सा भी आलकस ना करें, क्योंकि अक्सर लोग सुबह को सवेरे उठने में आलकस करते हैं, जिससे वे दौड़ नहीं लगा पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप इन फायदों को अपने दिमाग में रखकर रोजाना दौड़ जरूर लगाएं और हफ्ते में एक रेस्ट जरूर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो लोग तेज दौड़ या लंबी दौड़ दौड़ना चाहते हैं तो वे लोग कैसे दौड़ें, और जिन लोगों की सांस फूल जाती है जरा सा दौड़ते ही, तो वे लोग क्या करें, और रेस लगाने से पहले क्या खाएं और रेस लगाने के बाद क्या खाएं, और साथ ही रेस लगाने से पहले किन किन बातों का खास ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।